بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا صدق الله العظيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہان میں رکھ شرم سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہان میں رکھ شرم مولا جب بھی تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب ہی دیے جاتا ہے مجھے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رنگ رمضان سیزن 2 اور میں ہوں آپ کا میزبان سید خلیل شاہ بخاری کیسے ہیں صاحب احباب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اللہ پاک اپنے کریم نبی کے صدقے وسیلے کے ساتھ سب کے حال پہ خاص فضل فرمائے اور جو دعا میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا جس موذی بیماری میں مبتلا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور اس بیماری کا جلدی سے خاتمہ فرمائے ناظرین ماہ رمضان کی خوبصورت گھڑیاں جو ہیں وہ الحمدللہ چل رہی ہیں اور پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے
मुमताज़ मारूफ़ कारी कुरान छोटी उम्र में अल्लाह पाक ने एक खूबसूरत अंदाज़ आवाज़ से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ मोहम्मद उसामा कादरी आपने तिलावत कुरान मजीद से आगाज़ किया है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में, सोज में, अंदाज में, हुसन में मज़ीद बरकतें, वसतें, रिफ़त अता फरमाए। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान का और कुरान मजीद का एक बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है, वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन मखलूक़ खुदा जो है वो रोज़े की हालत में होती है और रात में जो है वो तरावियों की सूरत में कुरान पढ़ा जाता है। और जो लोग कुरान नहीं पढ़ते, कुरान की एक फरियाद है जो वो उन लोगों से करता है जो इससे महरूम है, जो नहीं पढ़ते। कुरान कहता है कि ताकों में सजाया जाता हूँ, सीनों में छुपाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, दो दो के पिलाया जाता हूँ। आप देख सकते हैं कायनात में कोई ऐसी किताब नहीं किसी स्कूल की, किसी कॉलेज की, किसी यूनिवर्सिटी की, कोई एक किताब भी किसी को याद हो। तो ये मालिक कायनात का हुजूर की आल पे, हुजूर की नज़र से, हुजूर के असहाब से कैसा करम है कि हुजूर का उम्मती जो है वो सीने में लेके पूरा कुरान जो है वो घूमता है। तो ये कुरान की एक बहुत ज़्यादा बड़ी नेमत है, जो लोग नहीं पढ़ते उससे हम महरूम हैं। तो मैं कह रहा था कि कुरान कहता है कि ताकों में सजाया जाता हूँ, सीनों में छुपाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, दो दो के पिलाया जाता हूँ। और जिस तरह से तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, जिस तरह से तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, उस तरह पढ़ाया जाता हूँ, उस तरह सिखाया जाता हूँ। और कुरान ये भी कहता है कि जब कौल और कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है। आपने देखा होगा कि जब किसी के यहाँ को लड़ाई झगड़े वाला मामला बनता है तो सबसे पहले जो बंदा होता है वो कहता है भाई मैं तुझ पे फिर यकीन करूँगा अगर तू कुरान उठाए। ठीक है, तो कुरान कह रहा है कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस कुरान को ये एजाज़ हासिल है कि आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक आम कपड़ा है और एक गिलाफ है। आम कपड़ा जब तक उसकी निस्बत कुरान से नहीं हो जाती तो उसकी वैल्यू नहीं होती। अब जब वही एक आम कपड़ा कुरान मजीद के साथ जुड़ जाता है तो पढ़ने वाला, कुरान को छूने वाला, कुरान को हाथ लगाने वाला पहले तो गिलाफ चूमेगा फिर कुरान खोलेगा। तो ये निस्बत की बात है। तो कुरान कहता है कि जब कौल व कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, जब कौल व कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है हाथों में उठाया जाता हूँ, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है हाथों में उठाया जाता हूँ। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह आप हर रोज़ हमारा ये प्रोग्राम अफ्तार के वक्त देखते हैं। अब आपसे गुजारिश है जो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, आपसे गुजारिश है कि प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आइए हम हाफिज़ उसामा साहब से कुछ बात करते हैं कि छोटी उम्र में आपने इतनी जल्दी कुरान भी हिफ्ज़ किया और बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं, तो आइए आपसे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप सब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। सबसे पहले तो आप जो जब से माह रमज़ान जो है वो स्टार्ट हुआ है तो मैंने देखा है आप ज़्यादा प्रोग्राम में आपकी शिरकत हुई है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है पंचतनी इस्लामिक मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर? माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है और मेरे लिए एहसास की बात है कि मैं इस प्लेटफॉर्म में पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। और आपने मदरसे में कहाँ से जो है वो हिफ्ज़ किया है? मेरा ताल्लुक मदरसातुल मदीना आमेर टाउन से है। माशाल्लाह कितने अरसे में आपने कुरान मजीद को मुकम्मल किया? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक साल चार माह और छः दिन में कुरान करीम मुकम्मल किया। माशाल्लाह माशाल्लाह आप माशाल्लाह बड़ी जल्दी से आपने कुरान मजीद को जो है वो हिफ़्ज़ किया है। आपके उस्तादे गिरामी जिनसे आपने हिफ़्ज़ किया है उनका नाम क्या है? कारी मोहम्मद अली रज़ा अत्तारी साहब। बड़े खुशबख्त हैं वो जिन्होंने इतना होनहार तालिबे इल्म जो है वो तैयार किया है। और तिलावत जो आप करते हैं इतनी कम उम्र में और इतनी खूबसूरत अंदाज से, तो इसकी बकायदा आपने क्लास लिया है कहीं से? जी मदरसातुल मदीना से ही मैंने तिलावत का आगाज़ किया। उस्तादों का नाम बताएं जिनने आप? एक तो हैं कारी मोहम्मद अली रज़ा साहब जिनसे मैंने ही उस किया मुकम्मल, और एक हैं नाज़िम रमज़ान साहब। माशाल्लाह
आपके लिए नेक दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हमारी पूरी टीम की जानिब से। अल्लाह पाक आपको दारैन की नेमतें अता फरमाए और इसी तरह आप जो है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करते रहें और लोगों के दिलों में जो है वो जगह बनाते रहें। जी नाजरीन, कितने खुशबख्त हैं इस बच्चे के वालिदैन के जिसने एक बड़े कम अरसे में कुरान मजीद फुरकान हमीद को मुकम्मल किया है इसकी सूरत में, और अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा कुरान ये पढ़ते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक इनको मजीद बरकतें अता फरमाए। नाजरीन, आज का जो मैं मौजू आपके सामने बयान कर रहा हूँ वो है अजमत कुरान, शान कुरान। इस कुरान की बड़ी बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ही बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं साथ आपके साथ महवे गुफ्तगू रहूँगा। बढ़ते हैं हम अगले मेहमान की जानिब जो मेरे बड़े ही अजीम करम फरमा मुमताज़ व मारूफ सना खान, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह पाक ने बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। खसूसन ज़ाती तौर पे मुझे बड़े पसंद हैं मोहतरम भाई मोहम्मद आबिद अली आबिद साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपसे गुजारिश करेंगे। आज जो मौजूदा हालात इस वक्त चल रहे हैं, हर तरफ नफसा नफसी का आलम है और हालात आप सब ने देखे हैं, कोरोना वायरस की वजह से मस्जिद जो हैं वो बंद कर दी गई हैं और वाई पे सभी अहबाब जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं, तो इस हवाला से जो मुल्की हालात चल रहे हैं इस हवाला से मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम भाई आबिद अली आबिद साहब आप जो है वो अपनी हाज़िरी का आगाज़ करेंगे। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या सैयदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या शाहे अंबिया चार हैं मदद को आइए, या शाहे अंबिया करम फरमाइए। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल है तुम्हें मालूम है आका जो
कहानी है वो ही दुखड़े पुराने है वो ही चोटे पुराने है वो ही दुखड़े पुराने है वो ही चोटे पुराने है शाहे अंबिया करम फरमाइए बहुत लाचार है मदद को आइए या शाहे अंबिया करम तुम न करो शाहे अंबिया रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा करम तुम ना करोगे तो करम कौन करेगा यशाए अंबिया चार है मदद को आइए
माशाल्लाह सुबहान अल्लाह आमीन इलाही आमीन। जो आपने कलाम जो इस्तखासा पेश किया है अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मालिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाल पे खसूसी फजल फरमाए राम फरमाए। कोरोना बहुत तेज़ जो है वो इंडिया में फैला हुआ है, वहाँ पे लोग जो हैं हमने स्टेटस पे यूट्यूब पे फेसबुक पे देखा कि जो लोग जो इस्लाम के साथ मजाक करते थे मजाक उड़ाते थे तो अब वो लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं रोज़े रख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपने खुदा से हमारे लिए भी दुआ करवाएं। तो ये कितना हम पे करम है इंशाल्लाह। और ये जो आज हर बंदा कह रहा है ना कि लोग साइंस कह रहे हैं लोग कह रहे हैं भाई हर दो सेकंड बाद जो है वो हाथ धोएं, ठीक है, तो ये तरीका मेरे करीम लजपाल नबी ने 1400 साल पहले बता दिया था कि जो बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ता है वजू करता है सबसे पहले वो तो हाथ धोता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है मेरा ये अकीदा है कि जो लोग नमाज पढ़ने वाले हैं कोरोना उनके पास नहीं आ सकता। इस प्लेटफार्म से पंचतनी इस्लामिक मीडिया के इस प्लेटफार्म से हमारी पूरी टीम की तरफ से जितने भी अब आप देख रहे हैं सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है इस माह मुकद्दस में ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ें, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करें और मालिक कायनात को याद करें और उसके करीम आका की बारगाह में उसके महबूब की ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। नाज़रीन आज का जो मौजू मैंने आपसे गुजारिश की आपको बताया आज का मौजू है शान कुरान अज़मत कुरान रिफ़त कुरान। किसी ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे पूछा हुजूर की सीरत के बारे में, आप फरमाती हैं काना खुलुकुहुल कुरान, ये कुरान सारे का सारा मेरे नबी की सीरत है, ये कुरान सारे का सारा मेरे नबी की सीरत है। कैसे सीरत है कि जहाँ मेरे नबी के मक्के का जिक्र आया तो कुरान कहता वह अन तहिल्लुम बिहाज़ल बलद, जहाँ मेरे नबी के चेहरे का जिक्र आया कुरान कहता है वद्दुहा, जहाँ मेरे नबी की जुल्फ़ों का जिक्र आया कुरान कहता है वल्लैल, जहाँ मेरे नबी की आँखों का जिक्र आया कुरान कहता है मा ज़ागल बसरु व मा तगा, जहाँ मेरे नबी के होंठों का जिक्र आया कुरान कहता है ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बी, जहाँ मेरे नबी के सीने का जिक्र आया कुरान कहता है अलम नशरह लाका सदरक, और जहाँ मेरे नबी की रहमत का जिक्र आया अल्लाह ने वाज़ह तौर पर ऐलान फरमा दिया वमार सल्ला का इल्ला रहमतल्लिल आलमीन, महबूब मैं रब्बुल आलमीन हूँ तो रहमतुल्लिल आलमीन है, मेरे सिवा रब कोई नहीं तेरे सिवा रहमत का ताजदार कोई नहीं, मेरे सिवा रब कोई नहीं तेरे सिवा रहमत का ताजदार कोई नहीं। और इसी मिश्रे के साथ मैं एक मरतबा फिर आबद अली आबिद साहब आपकी तरफ बढ़ूँगा कि थकी है फिक्र रसा और मदा बाकी है, कल्ब है आबला पा और मदा बाकी है, उम्र भर लिखा मदा बाकी है, वर्क हुआ तमाम मदा बाकी है। नबी है सहारा हमारा तुम्हारा, नबी है सहारा गरिया पे
माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज से आबद अली आबद बरादरान अपनी हाज़री जो है वो पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप डेली हमारा प्रोग्राम देखते हैं और नेक दुआएं और नेक तमन्नाओं की आपसे गुजारिश है। माह रमज़ान में कुरान मजीद फुरकान हमीद की ज़्यादा से ज़्यादा कसरत और तिलावत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मखलूक खुदा को खुदा के करीब कर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इस मुकद्दस किताब से महरूम हैं, जो नहीं पढ़ते उनसे गुजारिश है वो कुरान खोला करें, कुरान को पढ़ा करें। और जो लोग कुरान पढ़ते हैं उनके लिए हाफिज़ कुरान, अभी हमने तिलावत सुनी हाफिज़ मोहम्मद उसामा कादरी साहब की, हाफिज़ कुरान के बारे में कहा जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ कुरान मालिक कायनात से पूछेगा कि या अल्लाह मेरी मंजिल कहाँ है, मैंने कहाँ ठहरना है, तो अल्लाह फरमाता है कि अलहम्द से शुरू हो जा और सीढ़ियाँ जो हैं वो चढ़ता जा, जहाँ वन नास की सीन आएगी वो तेरा मकाम होगा। तो ये हाफिज़ कुरान के लिए कितनी खुशबख्ती वाली बात है। और जो हाफिज़ कुरान के वालदैन होते हैं अल्लाह तबारक व तआला बरोज़ माशर उन्हें एक ताज पहनाएगा जिनकी रोशनी जो है वो सूरज और चाँद सितारों से ज़्यादा होगी। मखलूक खुदा पूछेगी कि मालिक ये जिनके चेहरे और जिनके सर चमक रहे हैं ये कौन हैं, तो अल्लाह फरमाएगा ये हाफिज़ कुरान के वालदैन हैं। तो अल्लाह पाक हमें इस कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन बढ़ते हैं एक मरतबा फिर हमारे मेहमान आबद अली आबद साहब आपकी तरफ, आप अपनी हाज़री को मज़ीद आगे लेके जाएंगे। मेरा गुलामाए अगदा मेरा मंगता मेरा गुलामाए गुलाम जहरा हूँ मैं तो अली कलो ही मेरे काम आए
हमेशा पंजतन निस्बत हे मेरे कामाए मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलामाए गुलाम बन जो गया गुलाम बन के मदीने में आज तक जो गया गुलाम बन के मदीने में आज तक जो गया कभी ये हो नहीं सकता कि वो नकाम आए कभी ये हो नहीं सकता कि वो नकाम आए आई मदीने से सदा आई गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए हसन हुसैन का देता वास्ता माशाल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान की खूबसूरत अयाम जारी व सारी है। दूसरा अशरा जो है वो भी आखिरी मराहिल में है अल्हम्दुलिल्लाह। सामिन मोहतरम माह रमज़ान में एक ऐसी रात आती है जिसे लैलतुल कद्र कहा जाता है। इस रात में कुरान जो है वो मुकम्मल हुआ है और इंशाल्लाह अगले अशरे में जो है वह आखिरी अशरा है। इसमें हमने ताक रातें जो हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है, नवाफिल पढ़ने हैं और जो लोग कुरान पढ़ते हैं कुरान बड़ा खुश होता है और उनकी नज़र कुरान कहता है कि जहां में इनकलाब आया है कुरान की तिलावत से, मुनव्वर है जहां कुरान के नूरो सदाकत से, हुआ नाजिल यही कुरान रमज़ानुल मुबारक में, वो आयत है गवाह अब भी कुरान मुबारक में। अपने बच्चों को बनाओ कुरान का हाफिज़ व कारी, मिलेगा ताज जन्नत का खुश होंगे रब बारी, और ख़त्म हो जाती है यारो तिलावत से परेशानी, यही मुश्किल का हल है सवर जाती है ज़िंदगानी।
नादरीन, आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का जो है वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा कल इसी वक्त नए मेहमानों के साथ, नए सनाखानों के साथ, नए चेहरों के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और इसी कलाम के साथ आपका मेज़बान सैयद खलील शाह बुखारी और हमारी पूरी टीम आपसे इजाज़त चाहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। अल अज़मतुल्लाह। अली अली दम, अली अली दम, अली अली दम, अली अली, अली अली दम, अली अली दम, अली अली दम, अली अली, विरद कर देने तेरा, विरद कर देने तेरा, लाजिम जाते सब बने, अली अली दम, अली अली दम, अली अली दम, अली अली, अली अली दम, अली अली दम, अली अली दम, अली अली, कर दाए ऐलान लालन पीर मेरा मुर्तजा, पीर मेरा मुर्तजा, करके या अली दम, विरद करके या अली दम, मैं कलंदर बन गया, विरद करके या अली दम, मैं कलंदर बन गया, मिल गया रुतबा मैनो, मिल गया रुतबा मैनो, बल्कि हैदर दे गले, अली अली दम, अली अली दम, अली अली दम, अली अली, अली अली दम, अली अली दम, अली अली दम, अली अली, शाह मरता शेर यज़दा मुर्तज़ा दी शानिए, मुर्तज़ा दी शानिए, देख लो खैबर दे विच आका दाए फरमान ये, देख लो खैबर दे विच आका दाए फरमान ये, दुश्मना दे वास्ते मेरा अली शेरे चले, अली अली दम, अली अली दम, अली अली दम, अली अली, अली अली दम, अली अली दम, अली अली दम, अली अली, विरद कर देने तेरा, विरद कर देने तेरा, लाजिम जाते सब वले, अली अली दम, अली अली दम, अली अली दम, अली अली, खुल गई दीवार काबा, काबे ने दर खोलिया, काबे ने दर खोलिया, मादर है दर नु तक के अजी काबा बोलिया, ये काबा बोलिया, आज मेरी आगोश विच, आज मेरी आगोश विच आया मेरे रब दा वले, अली अली दम, अली अली दम, अली अली दम, अली अली, अली अली दम, अली अली दम, अली अली दम, अली अली, अली अली दम, अली अली दम, अली अली दम, अली अली, मेरियां नस्लां च होवे या अली चाहत तेरी, या अली चाहत तेरी, जद मैं जावा इस जहां तो, आ
किले हसरत मेरे जद मैं जावा इस जहां तो आ किले हसरत मेरे उस वेले हो वे जुबाते उस वेले हो वे जुबाते नाम तेरा या अली 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 दम अली अली दम अली अली दम अली 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 दम अली अली दम अली अली दम अली अली फिर्द कर देने तेरा फिर्द कर देने तेरा लाज़िम जहाते सब बने अली अली दम अली अली दम अली अली दम अली